शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईडब्ल्यू नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कोरोना महामारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी इस योजना की शुरुआत की थी, तो वहीं इससे एक कदम आगे जाते हुए ऐरोली स्थित यश पैराडाइज सोसाइटी ने मेरी सोसाइटी मेरी जिम्मेदारी का नारा देते हुए अपने ही सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में खुद का कोविड सेंटर खड़ा किया है, जो राज्य का पहला मॉडल साबित हुआ है। हाल ही में इसका उद्घाटन ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। तत्पश्चात पालक मंत्री ने यहां उपस्थित रहकर सुख सुविधाओं और व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस मौके पर उनके साथ सांसद राजन विचारे, जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईर, बहादुर बिष्ट मनोज हल्दनकर, डॉक्टर राहुल पंडित सहित सोसाइटी वासी मौजूद रहे। इस कोविड सेंटर में 16 ऑक्सीजन, 5 आईसीयू और 5 वेंटिलेटर बेड्स का समावेश है। कोरोना से बीमार परिवार के व्यक्ति के इलाज में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सोसाइटी के अध्यक्ष और पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले ने इस अनोखी संकल्पना को अंजाम दिया। एकनाथ शिंदे ने सोसाइटी की सराहना करते हुए राज्य की अन्य सोसाइटियों को भी इसका अनुकरण करने की अपील की। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माझा कुटुंब मेरी माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी, वैसे इन्होंने मेरी सोसाइटी मेरी जिम्मेदारी ये ऐसा जो उपक्रम यहाँ पर शुरू किया है। जैसे सोसाइटी में ही वो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होगा उसका इलाज होगा, और ये ऐसे बड़ी सोसाइटी में अगर ऐसे ये तो हॉस्पिटल ये जो कम्युनिटी हॉल है उसको तो कन्वर्ट किया अस्पताल में, और एक सभी आईसीयू विद आईसीयू ये हॉस्पिटल बनाया है। ये ऐसा अगर बड़ी सोसाइटी करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड का जो सामना है हम पूरी तरह ताकत से कर पाएंगे, और जो बाकी अस्पताल पर जो लोड होता है वो भी कम होगा। ये अच्छी शुरुआत है, और एक घर में ही बैठकर घर में अपने पेशेंट का इलाज ऐसे अस्पतालों में सोसाइटी के परिसर में होगा, ये निश्चित रूप से एक अच्छा काम विजयराव चौगुले जी ने किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, अन्य सोसाइटियों ने भी ये देखकर ऐसा शुरू करे तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। वहीं विजय चौगुले ने कहा कि दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए इस योजना को अमल में लाया गया। मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलेलं होतं की आपण आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे, आणि त्याच अनुषंगाने ज्यावेळेस आमच्या सोसायटीमध्ये कोविडचा एक प्रादुर्भाव वाढला आणि त्यावेळेस सोसायटीमध्ये जवळपास 60-70 पेशंट एका वेळेस पॉझिटिव्ह व्हायला लागले, त्याच्यामध्ये आमच्यामध्ये 6-7 लोक दगावले गेले, तर त्यावेळेस आमची सर्व कमिटीवाले आम्ही बसलो की आम्ही विचार केला, आता माझे सर्व डॉक्टर मित्र आहेत आमचे हॉस्पिटल्स असतील पण त्याला मर्यादा राहिल्या होत्या। शेवटी मग अशा प्रकारे सोसायटीच्या मेंबर लोकांबरोबर बसून आम्ही चर्चा केली की आमच्याकडे जागा होती आणि आमच्याकडे सोसायटीचं फंड आहे, आमचं स्वतःचं फंड होतं, त्या ह्याच्यातून आम्ही सर्व सोसायटीच्या पहिल्या सोसायटीच्या लोकांशी आम्ही चर्चा केली। सोसायटीच्या लोकांची चर्चा केल्यानंतर आम्ही याच्यावरती जनरल बॉडी आम्ही म्हणजे ऑनलाईन आम्ही टोटल सोसायटीच्या मेंबर लोकांशी ऑनलाईन चर्चा केली आणि सर्व लोकांची मान्यता घेतली, त्यांनी सर्व लोकांनी त्याला मान्यता दिली, नाही बोलले आपल्याला करायला पाहिजे, म्हणजे आम्ही ठरवलं असं नाही, आमच्या सोसायटीच्या सर्व मेंबर लोकांनी ह्याच्यामध्ये ठरवलं की नाही करतोय तर आपण चांगलं करतोय आणि आपल्या लोकांच्या हितासाठीच होतं आहे, म्हणून आम्ही आणि म्हणून ही कल्पना घेऊन आम्ही हे असे हॉस्पिटल बनवलं। ब्युरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।